तो दोस्तों आज हमें लेके आए हैं फ्लिपकार्ट की ओर से। देखिए दोस्तों, मैंने इस पे हेलमेट लगाने के लिए माउंट मंगाया है दोस्तों, तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं दोस्तों। इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ कि कैसे है, और ये भी दिखाऊंगा कि आपको इस पे सेटअप कैसे करना है, पूरा वीडियो दिखाऊंगा दोस्तों। इसका एक पार्ट आएगा, इसका अनबॉक्सिंग का पार्ट आएगा, दूसरा पार्ट इसका कैसे इसको लगाते हैं उसका पार्ट आएगा दोस्तों। तो प्लीज़ हमारे चैनल पर पहली बार आए तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, आपके दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए मैं इसको खोल के दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या हमको मिला है। तो ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, मेरे को इसकी कॉस्ट अराउंड 500 रुपीज़ पड़ी थी दोस्तों। तो इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको मंगाना है तो जरूर से मंगाइए। ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, रिव्यूज़ भी इसके अच्छे हैं। तो आइए मैं इसको आपको खोल के दिखाता हूँ कि इसके अंदर हमको क्या क्या मिलता है। तो आइए दिखाता हूँ मैं आपको। तो पहले तो हम इसको ओपन कर लेंगे। मैंने तो पहले ही इसको ओपन करके देख लिया था कि इसके अंदर क्या है। तो पहले फिर से मैं आपको ओपन करने के लिए मैंने टेप लगाया था इसको। तो अभी ये हम उखाड़ लेते हैं, और कचरा हम यहाँ पे नहीं डालेंगे, तो कचरा हम हमारे पास रख लेंगे, फिर अभी कचरा आएगा आगे तो डाल देंगे कचरे में। तो ये जो है ये मैंने अलग से लिया है, मोबाइल शॉप से लिया है। तो ये टाइप सी टू 3.5 mm ऑडियो जैक है, क्योंकि जो मेरा मोबाइल है उसमें ऑडियो जैक नहीं है दोस्तों। तो अभी इसको मैं साइड में रखूँगा क्योंकि इसकी आइटम नहीं है। तो इसकी कॉस्ट मेरे को अराउंड 100 रुपीज़ पड़ी थी दोस्तों। तो ये KDM कंपनी का है। तो अभी इसको साइड में रखते हैं, इसको साइड में रख के बॉक्स के अंदर हमको क्या मिलता है पहले वो देख लेते हैं। तो पहले तो ये पाउच मिलता है, इसके अंदर हमको इधर लगाने का दोस्तों माउंट मिलता है। तो ये माउंट है इसके अंदर, अभी माउंट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो माउंट है, और माउंट के साथ ही हमको एक स्क्रू देखने को मिलता है, एक माउंट देखने को मिलता है, और एक माउंट पे लगाने का जो हमारे मोबाइल का स्टैंड लगता है वो है दोस्तों। तो अभी ये इसको रखते हैं अंदर, और क्या मिलता है दोस्तों देखते हैं अभी। तो इसके साथ है एक मोबाइल अडेप्टर, तो देखिए ये मोबाइल हमारा इधर लगेगा, इसके अंदर हमारा मोबाइल लगेगा। तो इसको हम अभी इसके अंदर ही रख देते हैं, कचरे को हम दोस्तों इसके अंदर रखते हैं, बाहर नहीं फेंकेंगे। और एक अच्छी सी चीज़, एक माइक भी मिलता है, ये माइक की क्वालिटी बहुत अच्छी है, मैंने ट्राई करके देखा है। तो देखिए एक माइक भी मिलता है, इसकी लेंथ वायर की लेंथ अच्छी है। तो अभी इसका पूरा सेटअप करके आपको दिखाऊंगा कि इसमें कैसे सेटअप होता है। तो चलिए सेटअप करके दिखाता हूँ कि कैसे सेटअप होता है। तो दोस्तों अभी हम इसका इधर माउंट सेटअप करेंगे। तो ये माउंट सेटअप करने के लिए दो जन की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी दोस्तों पहले तो मैं अकेला इसको, जो हमारा मोबाइल एडेप्टर लगाने का जो होता है स्टैंड, वो तो मैं अकेला कर दूंगा, लेकिन इसमें जो ये फिट करना होगा तब एक दोस्त की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले इसको मैं इसके अंदर अटैच कर लेता हूँ। तो हमको जो ये मिला है, तो इसको यहाँ इधर ऐसे है ना दोस्तों, इसके अंदर अटैच करना रहता है। तो ऐसे अटैच कर लिया मैंने, और इसके अंदर जो हमको ये स्क्रू मिलता है, ये स्क्रू को हमको यहाँ से नहीं डालना दोस्तों, जो मेटल वाला पार्ट है यहाँ से नहीं डालना है, जो यहाँ जो मेटल के बिना वाला जो पार्ट है यहाँ से डालना है। तो यहाँ से हम अभी इसको स्क्रू को डाल देते हैं। अभी थोड़ा ढीला रखेंगे क्योंकि हमको एडजस्ट भी करना होगा दोस्तों। तो अभी इसको मैं फटाफट से डाल देता हूँ। तो अभी यहाँ पे देखिए कैसा वेंट चल रही है दोस्तों, हवा देखिए, इधर भी आप देख सकते हैं कि बहुत फास्ट हवा चल रही है, थोड़ी नॉइस आ रही होगी, तो दोस्तों सॉरी, माफ़ करना। हम इसका थोड़ा वो माइक बाइक भी लाएंगे अभी थोड़ी देर में, चैनल आपका चल जाए, आपका प्यार मिल जाए तो दोस्तों सब लाएंगे। तो अभी ये तो मैंने लगा लिया, अभी मैंने इसको थोड़ा ढीला रखा है क्योंकि इसको ऊंचा नीचा करना पड़ेगा। तो अभी देखिए पवन की वजह से ये भी गिर जा रहा है, तो अभी हमको इसको बहुत वीड है दोस्तों। तो अभी ये पहले हम इसके अंदर माउंट करेंगे। तो ये मोबाइल अडेप्टर है हमारा, इसके अंदर हम इसको माउंट करेंगे पहले। तो इसको भी हम माउंट कर लेते हैं फटोफट से, इसको भी माउंट करने में बहुत दिक्कत है क्योंकि ये अभी देखिए दोस्तों ये हो गया आसानी से, पहले मैं इसको कर लेता हूँ माउंट। तो ये देखिए फिट हो गया है। तो अभी ये माइक और ये इसमें लगाऊंगा दोस्तों, तो एक दोस्त की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी इसको एक दोस्त को बुला लेते हैं, तो दोस्त इधर आ जाओ तुम। तो अभी इसको माउंट करते हैं, तो इसको ये बॉक्स को भी हम रख देते हैं नीचे, बाद में ले लेंगे। तो देखिए वो पन्नी भी उड़ गई हमारी, उसको भी ले लेंगे अभी। तो इसको हम यहाँ पर माउंट करते हैं। तो इधर मेरे दोस्त को बुला लेता हूँ, वो पकड़ेगा और मैं इधर लगा दूंगा। तो इसको पकड़ो तुम, अभी मैं इसको लगा देता हूँ। तो आप देखिए, तब तक मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ इसको, मैं इसको लगा के आपको दिखाता हूँ कैसा है। तो अभी वीडियो फास्ट फॉरवर्ड होगी दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो इसको लगा के आपको दिखाता हूँ। तो
गाइस अभी हमने इसको माउंट को लगा लिया है, नजदीक आके दिखा दो कि ये कैसा लगा है। तो अभी देख सकते हैं आप, मैंने इसको प्रॉपरली मेरे दोस्त की हेल्प से लगा दिया है, क्योंकि इधर अकेले से नहीं होगा दोस्तों, हो जाएगा लेकिन थोड़ी मशक्कत होती है दोस्तों, तो इससे अच्छा है दो जन आप करो। तो अभी देख सो मैंने इसको लगा लिया है, और ये देखिए दोस्तों ऐसे ये अभी ढीला रखा है मैंने इसको ओपन करके, ये मोबाइल में अभी लगाऊंगा इसको। तो ये हेलमेट का ये जो है ये भी बंद होता है, तो अभी मैं आपको खाली ऐसा पहन के दिखा देता हूँ कि कैसा लुक है। तो अभी देखिए ऐसा हो गया है, तो हमको ये बीच में नड़ेगा भी नहीं, तो हमको बीच में नहीं नड़ेगा दोस्तों। तो अभी इसको मैं मोबाइल भी लगाता हूँ, तो अभी आइए मोबाइल में लगा के दिखाता हूँ। तो इसको मैंने अभी थोड़ा रॉन्ग डायरेक्शन में लगा, नहीं सही से, ओके आपको इसको खड़ा ही लगाना है ऐसे। तो अभी मैंने इसको स्क्रू टाइट कर लेता हूँ, जो नीचे वाला स्क्रू है उसको भी थोड़ा ढीला करेंगे, और इसको भी अभी मोबाइल के हिसाब से हम उसको खोल लेंगे। तो अभी मेरा मोबाइल के हिसाब से मैंने इसको खोल लिया है, तो अभी मैं इसको मोबाइल के हिसाब से लगाऊंगा। हमारा जो ये बटन रहता है वो हमको दबाना नहीं चाहिए, देखना है वो खास देखना है कि बटन दबाएगा तो हमारा वीडियो भी नहीं शूट होगा। तो अभी इसको मैं मोबाइल के हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ, बहुत टाइट भी नहीं करना है, बहुत ढीला भी नहीं रखना है। तो इसको टाइट कर लिया है मैंने, और ये देखिए अभी टाइट करने के बाद ये जो नीचे हमारा जो ये हिल रहा है, अभी जो ये हिलता है इसको हमको प्रॉपर हमारे देखिए अभी ऐसे हम अंदाज़ा लगाएंगे कि ऐसे सूट होगा, तो थोड़ा ऐसे सेंटर में रख के मैं इसको अभी टाइट कर दे रहा हूँ। तो अभी इसको मैंने टाइट कर लिया है, तो अभी और टाइट कर लेते हैं, मोबाइल ना गिर जाए दोस्तों, आप खास ध्यान रखें पूरा टाइट करके रखें। तो अभी देख सकते हैं कि ये मोबाइल हमारा कुछ कहाँ से भी नहीं हिल रहा है, आप देख सकते हैं हमने इसको प्रॉपरली लगा लिया है। तो अभी आप देख सकते हैं माउंट, अभी हम इसका फुटेज आप आगे चल के देखते हैं कि कैसा आ रहा है फुटेज, और आपको इसको चेक करना है कि फुटेज अच्छा आ रहा है। थोड़ा सा आगे जाइए, देखिए फुटेज, मोबाइल देखिए, निकालिए, देखिए अच्छा नहीं आ रहा है तो इसको फिर से एडजस्ट करिए। आप दो तीन बार करेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। तो अभी मैं एक बार और फिट थोड़ा थोड़ा कर लेता हूँ, तो दोनों मैंने थोड़ा थोड़ा फिट कर लिया है। अभी इसको मैं पहन के आगे चल के आपको दिखाता हूँ। अभी इसमें माइक भी लगाने का बाकी है, वो भी माइक लगा के भी दिखाऊंगा। उससे पहले ये आपको मैं चला के दिखाता हूँ कि कैसा आ रहा है। तो अभी इसको पकड़ो तुम, तो इसको पकड़ लो। तो अभी मैं इसको पहन के आपको दिखाता हूँ कि कैसा लुक आ रहा है। गाड़ी पे बैठ के दिखाऊंगा दोस्तों, जाऊंगा नहीं, जो हम अभी वो लगाएंगे। तो अभी हम माइक अटैच करेंगे, फिर बाद में जाएंगे। तो देखिए अभी मैं गाड़ी में बैठ रहा हूँ, तो आगे से दिखा दो कि कैसा लुक आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हमने मोबाइल को ऐसे रखा है और कैसा लुक आ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि ऐसे लुक आ रहा है। तो इसको थोड़ा आपको एडजस्ट करना हो तो हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। तो देखिए अभी ऐसा है, और ऐसे भी हमारा व्यू ऐसा रहेगा। तो अभी हमको इसको थोड़ा ऊँचा करना पड़ेगा, अप की साइड लेना है, तो इसको हम ऊँचा करेंगे अभी। तो अभी इसको हम माइक लगा लेते हैं, फिर माइक अभी इसका माइक हम लगा लेते हैं, माइक लगा के मोबाइल अटैच करके देखते हैं कि कैसा आ रहा है। तो अभी माइक लगा, तो दोस्तों देख सकते हैं हमने यहाँ पे माइक लगा लिया है, क्योंकि हमारा जो ये है ये पैडिंग जो खुलती है, तो हमें खोल के इसको अंदर वायर लगा के यहाँ पे हमने हेलमेट लगा दिया है, ये देख सकते हैं। और इसका केबल भी निकाल दिया है, और ये केबल में हमने 3.5 mm ऑडियो जैक भी लगा लिया है। तो देख सकते हैं 3.5 mm ऑडियो जैक लगाया है। तो अभी हम इसमें मोबाइल भी माउंट करके देखते हैं। तो अभी ये कचरा वचरा सब हमारे जेब में डालते हैं, तो अभी ये मोबाइल हम यहाँ पे माउंट करते हैं। तो ये हमने केबल यहाँ से एक रखा है, इतना थोड़ा लंबा रखा है, क्योंकि मोबाइल थोड़ा लंबा यहाँ रहेगा तो सही रहेगा, खिंचाएगा नहीं। तो अभी हम मोबाइल भी इधर माउंट करके देख लेते हैं। तो अभी हमारा मोबाइल यहाँ पे मैं माउंट कर लेता हूँ, ये मोबाइल में मेरा माउंट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो अभी मैंने अपना मोबाइल ये माउंट कर लिया है, और ये पिन भी डाल दूंगा। अभी ये मेरे फ्रेंड का फ़ोन है, मेरा फ़ोन से अभी शूट हो रहा है, तो ये पिन मैं यहाँ पे डाल दूंगा मेरे मोबाइल में। तो अभी देखते हैं कि अभी ये हम यहाँ पे डालेंगे, और ये देख सकते हैं कि लुक कुछ ऐसा लुक आ रहा है। तो अभी हम ड्राइव करके देखेंगे, तो अभी चलते हैं ड्राइव करके देखते हैं, आगे जाके देखते हैं कि कैसा है। और ये सब हमारी जेब में डाल देते हैं, क्योंकि हमने ये इसको ड्राइव करके देखते हैं कैसा लुक आ रहा है। क्योंकि मैं वहाँ से आऊँगा तो तुम शूट करने का, ओके, मैं वहाँ से आ रहा हूँ सामने से तुम शूट करना, यहाँ से जाऊँगा वो भी करने का, आऊँगा वो भी करने का।
तो दोस्तों हमने पूरा सेटअप कर लिया है। दोस्तों आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, आपके दोस्तों के शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसके बाद का भी जो भी ब्लॉग आएगा, तो दोस्तों ये इसके बाद का ब्लॉग आएगा वो मोटो ब्लॉग से रिलेटेड आएगा, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम यहाँ इसके बाद शूटिंग के बाद हम भी इसका मोटो ब्लॉग शूट करने जाने वाले हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अब इसके बाद जो ब्लॉग अपलोड होगा वो मोटो ब्लॉग का होगा। और इसकी लिंक में भी मैं दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आई बटन में भी दे दूंगा इसका ब्लॉग मोटो ब्लॉग। तो चलिए मैं जाता हूँ अभी मोटो ब्लॉग शूट करने। तो दोस्तों प्लीज लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और शेयर करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम, बाय बाय।